आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के काफिले पर पथराव की खबर है। ये हमला उस वक्त हुआ जब वो रोड शो कर रहे थे। इस हमले में जगन मोहन रेड्डी के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। उनके काफिले पर हमला किया गया है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि ये हमला उस वक्त हुआ जब वो रोड शो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ही उनका काफिला जब वहां से गुजर रहा था तब उनके काफिले पर इस तरीके से पथराव हुआ। हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी अब की जा रही है, लेकिन तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ये तस्वीर है। चुनाव का मौका है, चुनावी प्रचार इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा है और इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए ही मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के काफिले के यहाँ पर गुजरने का पहले से ही कार्यक्रम तय था, लेकिन उसके बाद तस्वीर में आप देखें कैसे इस काफिले पर हमला किया गया है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने जगन मोहन रेड्डी के शीघ्र स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। वो ट्वीट जो उनकी तरफ से किया गया है सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। के खिलाफ मैदान में उतरी सुनीत्रा पवार का बयान, बोली है परिवार की लड़ाई नहीं, अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे सीएम मोहन यादव का स्वागत, कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य से किया सीएम का स्वागत। दिल्ली के सीलमपुर में एक लड़के को सरेआम मारी गई गोली, फायरिंग का आरोपी फरार। बीजेपी नेता हरीश खुराना का दिल्ली सरकार पर आरोप था, शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए वकील को दिए 19 करोड़ रुपए। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को भगवंत मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। पीएम मोदी के देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर से मुलाकात, गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। यूपी के बिजनौर में दो लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 6 लोगों पर मारपीट का आरोप। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया याद, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सभी वीर शहीदों को कोटि-कोटि नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को किया नमन, का हत्याकांड ने आजादी के आंदोलन को जन जन का संग्राम बना दिया। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली आरोपियों के रिमांड, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों ने छिपने के लिए फर्जी आधार कार्ड का किया था इस्तेमाल, हिंदू नाम से बनवाए थे फर्जी आधार कार्ड। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 2 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया, बीजेपी ने बंगाल सरकार पर उठाए सवाल। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने एनआईए की बड़ी कामयाबी बताया। रामनवमी पर रामलला के सूरज की किरणों से अभिषेक का हुआ सफल परीक्षण, वैज्ञानिकों ने दर्पण के जरिए